छतरपुर जिले के बमनौरा थाना अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में कुछ दिनों पहले एक विवाहिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसमें विवाहिता के दहेज लोभी पति व ससुर ने उसे हथियारों से जमकर पीटा था, जिसके बाद युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मारपीट करने से महिला को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके दोनों हाथ व पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वह चलने फिरने में असहाय हो गई। हालांकि बमनौरा थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में केस दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आक्रोश महिला के आक्रोशित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। सब क्या क्या कारण क्या है? पैसे पे कैसे पैसे मांग, क्या हुआ बता? बोला तो माँ बाप से पैसे मांगा, हमने बोली माँ बाप कहाँ से देंगे पैसे, अपने बच्चे पालेंगे के हमें पैसे देंगे? हमारे भाई ने 80,000 रुपये गाड़ी के लिए भी दिए थे। काहे के पैसे मांग रहे थे वो, क्या है? बोला थे कि तुम अपने बाप माताई से पैसे मांग। किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे वो? मांग रहे थे कि पैसे लिया खर्चा के लिए, तुम अपने माँ बाप के धार से दहेज के पैसे, दहेज नहीं दिया था तो बोला थे दहेज के लिए पैसे लिया माँ बाप के धार से। कितने सालों की शादी की आप? 10 साल। मेरी बहन को मारा पीटा उनके ससुराल वालों ने, और इसलिए वहाँ पुलिस वालों ने कुछ सुनवाई नहीं की, इसलिए यहाँ लेके आए। कहाँ पे लेके आए? एसपी को कार्यालय। कारण क्या लाने का? कारण ये आप खुद देख लीजिए सर। तीन हैं, क्या हुआ है? इनको मारा पीटा गया। कारण क्या, मारने में वजह क्या? मारने पीटने में यह है कि अब जब से शादी की तब से पैसे मांगे जा रहे हैं, हर टाइम पैसे मांगते हैं। इस टाइम कई बार हमने दिए भी हैं, कहीं 10,000 कहीं 5,000। कुछ दिन पूर्व करीब 15 तारीख के आसपास इसके हस्बैंड और कुछ लोगों ने सब मारपीट करी, बाद में इसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया और अभी हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज हुई है। इसमें ऑलरेडी हमने एफ आई रजिस्टर्ड कर रखी है 498-330 की। अब बैठे टिकट और इसके जो स्टेटमेंट होंगे, साक्ष्य होंगे, उस अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी।